एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें एरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। एरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस जिमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। १९५५ में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वो एक मैजिक 8 ball जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ
जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजाड नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलन से नासिम ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कोरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचिट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्हें इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए हैं फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए हैं नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $42 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबोर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हेंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्न, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल्ट, लेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर,
किल एम मैकलसलन इशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलन सेम ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता। तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्ववत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्क,
क्लेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है रॉगरी स्टोफर और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट रिलायंस इंटरटेनमेंट माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है सितंबर 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट लेविस अंकल एंड वॉरलॉक कैट बैलेंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट जोनाथन 10-year-old और फ्रेंड नेफ्यू रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच सनी सोली एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट जोनाथन नॉसी नेकबोर लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल लेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर किल ए मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक 8 ball जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक ईशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग खड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते
हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इस हक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेंचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ड जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट अ विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट जोनाथन नॉसी नेकबोर, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज इशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। उन्नीस सौ पचपन में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलन से ना सिम ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है।
जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचिट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए, लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्हें इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेंचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए हैं फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए हैं नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हेंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्ड, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसन एज इशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक
एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइंस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ड नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है, जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेनचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है, लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेनचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेनचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्ववत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले इरिक क्रिप्क, बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट,
और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैनशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10-year-old ऑर्फेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट, विलियंस विलियंस विच, सनी सोलिजिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्न, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, लेविस मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल ए मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक 8 ball जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक ईशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है, जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेनचेट के घर की खिड़की में देखा हुआ। उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है, लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग खड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो भयावह देखी थी उसे पूर्ववत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक 8 ball का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें एरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। एरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रिनवेल्ड, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। १९५५ में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित
पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करें। हैलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेनचिट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है, लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेनचिट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेनचिट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए, लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्हें इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेंचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए हैं फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए हैं नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्ड, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसन एज इशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है।
हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ड नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कोरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जाता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन होलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10-year-old ऑर्फन नेफ्यू, रीना इलिस गोल्ड्सबेरी एज सेलेना आइजर्ट ऑवेलियंस विलियंस विच, सनी सोलजिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस
क्लासमेट कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट जोनाथम नॉसी नेकबोर्न लॉरेंस ईजो एज मिस्टर बर्नवेल डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर किल ए मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक ईशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा हुआ। उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग खड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो भयावह देखी थी उसे पूर्ववत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूम में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक कैट ब्लैंशेट
ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैनशेट एज फ्लोरेंस जिमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। उन्नीस सौ पचपन में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेनचिट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते
हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने इन्होंने इस हक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन वॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए हैं फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए हैं नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोलजिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्ड, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज इशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलन सिम ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है।
जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए, लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है सितंबर 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10-year-old और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट और विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्न, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल्ट, लेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक
एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजाड नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग खड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो भयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूम में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेंचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट।
और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैनशेट एज फ्लोरेंस जिमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रिनवेल्ड, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट, विलियंस विलियंस विच, सनी सोलिजिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। उन्नीस सौ पचपन में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलन से नासिम ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेनचिट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ईली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें एरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। एरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए हैं फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए हैं नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्ड्सबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्न, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज इशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक 8 ball जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है जब वो इस बात पर अफसोस जाता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित
पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करें। हेलोवीन की रात लुईस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुईस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा हुआ। उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है, लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हेंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए, लुईस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन होलेंस और लुईस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले इरिक क्रिप्क, बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10-year-old और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट, विलियंस विलियंस विच, सनी सोल्जिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर्न, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल्ट, लेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल ए मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुईस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुईस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुईस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है
हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ड नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हेंचेट वास्तव में सेलेना है जिसने श्रीमती हेंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग खड़े की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो भयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वैक्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेंशलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं रॉग्री स्टोफर और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैंशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्ड्सबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विलियंस विच, सनी सोलजिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस
क्लासमेट कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट जोनाथम नॉसी नेकबोर्न लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर किल एम मैकलसलन एज ईशाक इजार्ट सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक एट बॉल जो उन्होंने उसे दी थी और एक पारिवारिक तस्वीर। अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथ पूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जताता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेंचिट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी माँ का रूप धारण किया था। इसहाक बताते हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे जिन्होंने उन्होंने इसहाक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्वत कर दिया जाए। जोनाथन हॉलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द हाउस विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक 2018 की अमेरिकन फैंटसी कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए इली रॉथ और स्क्रीन प्ले दें इरिक क्रिप्क। बेस्ड ऑन है द हाउस ऑफ विथ अ क्लॉक इन इट्स वॉल बाय जॉन बिलेयर और इसे प्रोड्यूस किए हैं ब्रेडली जे फिशर और जेम्स वैंडरबिल्ट। इरिक क्रिप्क स्टारिंग दी हैं जैक ब्लैक, कैट ब्लैंशेट, ओवन वेक,
क्रो, रीना इलीज, गोल्ड्सबेरी, सनी सोल्जिक, काइल मार्कलेचलन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रॉग्री स्टोफर, और इसे एडिट किए फ्रेड रेस्किन, और इसे म्यूजिक दिए नेथन बेयर, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन इंटरटेनमेंट, रिलायंस इंटरटेनमेंट, माइथोलॉजी इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट की यूनिवर्सल पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है September 21, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 105 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $42 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $131.5 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैक ब्लैक एज जोनाथन बॉर्नवेल्ट, लेविस अंकल एंड वॉरलॉक, कैट ब्लैनशेट एज फ्लोरेंस ज़िमरमैन, जोनाथन बेस्ट फ्रेंड एंड नेकबर हु इज अ विच, ओवन वैक्रो एज लेविस ब्रेनवेल्ट, जोनाथन 10 year ओल्ड और फ्रेंड नेफ्यू, रीना इलिस गोल्डबेरी एज सेलेना आइजर्ट विलियंस विच, सनी सोलजिक एज टर्बे कॉरिगन, लेविस क्लासमेट, कॉलिन कैंप एज मिस्टर हैंसेट, जोनाथन नॉसी नेकबोर, लॉरेंस इजो एज मिस्टर बर्नवेल, डेविज मदर एंड जोनाथन यंगर सिस्टर, किल एम मैकलसलन एज इशाक इजार्ट, सेलेंस हस्बैंड एंड विलियस वार्डलॉक। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1955 में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय लुइस बॉर्नवेल्ट न्यू जेब्दी मिशिगन में अपने चाचा जोनाथन के साथ रहने चले गए। उसके पास अपने माता पिता के पास जो कुछ बचा है वह एक मैजिक 8 ball जो उन्होंने उसे दी थी, और एक पारिवारिक तस्वीर अपने नए घर में प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात जोनाथन के पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस ज़िमरमैन से होती है। रात में दौरान लुइस तब हैरान हो जाता है जब उसे दीवारों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस घर की खोज शुरू करता है और अचानक जोनाथन एक दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ता है हुआ दिखाई देता है। भयभीत होकर वह भाग जाता है और उसका सामना कई घरेलू वस्तुओं में जान आ जाती है। जोनाथन कबूल करता है कि वह एक जादूगर है और फ्लोरेंस एक चुड़ैल है। घर के पिछले मालिक इशाक इजार्ट नामक एक भयावह जादूगर थे। जोनाथन का एक अनाथपूर्व मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय सदमे में था, और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी सेलेना थी। इसहाक और सेलेना ने मरने से पहले स्पष्ट रूप से घर की दीवारों को भीतर एक घड़ी छिपा दी थी, और जोनाथन उसे घड़ी को ढूंढने और उसका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहा है। जोनाथन की चेतावनियों के बावजूद लुइस ने खुद को जादू सिखाना शुरू कर दिया। अपने नए स्कूल में पहले दिन लुइस को मुलाकात टॉर्बी कॉरिगन से होती है, जो कक्षा अध्यक्ष के लिए टॉर्बी के अभियान के दौरान उसे दोस्ती करता है। जब टॉर्बी चुनाव जीत जाता है तो वह लुइस को छोड़ देता है। लुइस की माँ सपने में उसे मिलने आती है। जब वो इस बात पर अफसोस जाता है कि टॉर्बी उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता, तो वह सुझाव देती है कि वह टॉर्बी को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित पुस्तक से एक मंत्र का उपयोग करे। हेलोवीन की रात लुइस एक कब्रिस्तान में जादू टोना करता है और गलती से इसहाक के भूत को और उसकी कब्र से बुला लेता है। लुइस ने इसहाक को एक पड़ोसी श्रीमती हेनचेट के घर की खिड़की में देखा। वह उसे इसहाक से बचाता है और उसे सड़क के पार जोनाथन के घर में ले आता है, लेकिन इससे पहले कि वह जोनाथन को ढूंढ पाता, इसहाक सामने के दरवाजे पर उनका सामना करता है। उसने खुलासा किया कि श्रीमती हैंचेट वास्तव में सेलेना है, जिसने श्रीमती हैंचेट को मार डाला, उसकी जगह ले ली और उसकी हड्डियों का उपयोग घड़ी की चाबी बनाने के लिए किया। या सेलेना भी थी जिसने इसहाक को बुलाने के लिए लुइस को मनाने के लिए उसकी मां का रूप धारण किया था। इसहाक बताते
हैं कि उनकी छिपी हुई घड़ी के ब्लूप्रिंट राक्षस अजाजल से आए थे, जिन्होंने उन्होंने इस हक को दिया था क्योंकि वह युद्ध के दौरान देखे गए डरावने दृश्य से राहत चाहता था। घड़ी शाम के पीछे कर देगी ताकि मानवता कभी अस्तित्व में ना रहे, और उसने जो अभयावत देखी थी उसे पूर्ववत कर दिया जाए। जोनाथन होलेंस और लुइस को घर से भगा दिया गया। बॉयलर रूप में के नीचे घड़ी का स्थान जानने के लिए मैजिक एट बॉल का उपयोग करके तीनों वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।